अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एंड में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, क्या कर रही हूँ और क्या मेरी ऐसी मसरूफियात है जो मुझे ट्रेनिंग्स लेनी पड़ रही हैं। मेरा खुद का सेशन था। तो गाइज, हुआ ये है कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापसी कर दी है और अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मैं जाके जॉब कर सकती हूँ अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, और ब्लॉगिंग भी उसके साथ चलती रहेगी। तो बस आज उसी मेरी ट्रेनिंग का जो है वो लास्ट डे था। मैंने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट की है एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं वहाँ पर, और तकरीबन मेरी जॉब को एक हफ्ता हुआ है अभी रिसेंटली। और जैसे न्यू इंडक्शन हुई तो बस ट्रेनिंग आ गई, तो वो हमने ट्रेनिंग ली और उसके साथ जो है जनाब कुछ अपनी प्रेजेंटेशंस थी वो भी दी, और इसी तरह से जो है बहुत ही अच्छा मज़े का सेशन रहा, न्यू लर्निंग, और दोबारा से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो भी नॉलेज होती है वो सारी रिफ़्रेश हो जाती है। तो जॉब करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने अर्निंग करनी है, लेकिन आप अपने आप को जो है वो पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं ना, जो भी बुराइयाँ होती हैं, हर घर के मसले मसाइल होते हैं, तो आप उन चीज़ों से बहुत आसानी से दूर हो सकते हैं। अगर आपको अपनी पीसफुल लाइफ चाहिए खुश रहने के लिए, ना किसी की ज़िंदगी में टांग अड़ाएं और ना ही किसी को इतनी इजाज़त दें कि आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। अपने आप को बिज़ी रखें, अपने काम से काम रखें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, खुशियां दें और साथ भी रिस्पेक्ट लें। और जो ब्लाउजा का पंगा करे ना, तो फिर उसको जो है वो सिंपली सोशल बैकआउट कर दें। आप कुछ और नहीं कर सकते, ना मार सकते, ना पीट सकते, ना कुछ और कर सकते हैं, तो सोशल बैकआउट कर दें। एनीवेज फ्रेंड्स, आज मेरी इस ट्रेनिंग का लास्ट डे था। मैं कराची आर्मी एयर मेस में जो है यहाँ पर स्टे किया हुआ था मैंने, और आज अभी मेरा लास्ट डे बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, और एक तरह से जैसे बंदा कैद में आ जाता है ना, बंद, बच्चों से दूर। अशफाक 2 बार मुझसे मिलने आए, रात को सलार भी आया था मिलने, लेकिन असद से नहीं मिली, तो मुझे असद की भी बहुत याद आ रही है। और अभी बस हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और अपने जो भी बिल्स वगैरह हैं वो क्लियर करवाएंगे, और उसके बाद मैं अशफाक के साथ चली जाऊँगी। फाइनली हम असद के पास जाएंगे। असद को मैंने अम्मी के पास छोड़ा हुआ है, और सलार जो है वो उसको अशफाक संभाल रहे थे। मेरी जॉब की वजह से अशफाक को 2-3 दिन छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि इस जॉब में मुझे ज़्यादा पुश करने के लिए ना अशफाक का बड़ा हाथ था कि नहीं, आपने जाना है, करना है। घर बैठे रहना, घर के कामकाज भी होते हैं, लेकिन जॉब जो होती है ना, एक अगर आप किसी रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं ना, तो फिर घर बैठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आप यकीन जाने, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि नहीं, बस मुझे घर में रहना है, मुझे घर के ही कामकाज करने हैं। लेकिन फिर समटाइम ये फील होता था कि यार, जो इतना पढ़ा है, जो इतना कुछ सीखा है, इतना अर्सा जॉब की है, वो आपकी सारी लर्निंग्स, वो सारी चीज़ें ना, उन पर जंग लग रहा था। तो बस आज उसी चीज़ को फाइनल किया, और इसी के साथ जनाब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ, डेली के मैं आज से रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। ये आ गए अशफाक और सलार मुझे रिसीव करने के लिए। अभी हम इस कैद खाने से भागेंगे और जाएंगे अपने घर ऐसे से मिलने। हेलो मिट्ठू पुत्र। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बस अशफाक भी आ गए थे सलार को लेके। यहाँ से हमने बस जो बिल्स वगैरह थे उनकी पेमेंट की थी। थोड़ी देर अशफाक बैठे रहे और हम वेट कर रहे थे कि बस बंदा आ जाए, उसको हम पेमेंट वगैरह कर दें, अपनी सारी क्लियरेंस करवा के, और हम लोग यहाँ से निकल गए थे फिर असद की तरफ। क्योंकि फिर अशफाक को कॉल आ गई थी ऑफिस से कि आपने जो है वो नेक्स्ट डे आके यहाँ पर ज्वाइन भी करना है ऑफिस, वरना हमने ये सोचा था कि हम 2-3 दिन और स्टे करके ना थोड़ा सा घूम फिर लेंगे या शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, लेकिन फिर हमें बस एक ही दिन का टाइम मिल गया था, ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं मिला था, तो हम लोग घर वापस आ गए थे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और आगे भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।